अध्यक्ष जनता यादव और माजी नगर सेवक राजपति यादव ने बताया कि जल्द ही लाल श्रमिक ट्रेन मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए चलाई जाएगी, जिसके लिए मुंबई के हर कोने से उत्तर प्रदेश जाने के लिए मजदूर संपर्क करें। फ्री श्रमिक ट्रेन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड और पालक मंत्री अशरम शेख के द्वारा चलाई जा रही है। श्रमिक ट्रेन है, कितने यात्री अब इसमें जाने की तैयारी और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है इसमें? श्रमिक ट्रेन का ऐसा है कि 31 मई तक श्रमिक ट्रेन का जो चल रहा था काफ़ी ट्रेनें गई हैं और उस 31 मई तक हमने 10 से 11 हज़ार लोगों को मुंबई शहर से कांदीवली के ईस्ट से भेजा है, अपने यहाँ से जो हमारे यहाँ के लोग हैं। लेकिन काफ़ी लोग अभी भी यहाँ पे हैं जो जा नहीं सकते क्योंकि काम धंधा बंद है, रोज़गार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो श्रमिक ट्रेन में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग स्लम के लोग हैं। आज लोगों में घबराहट है, डर के मारे जा रहे, सारे उत्तर प्रदेश या बिहार के ही नहीं जा रहे, आज पूरे देश के जिस कोने में, महाराष्ट्र के लोग भी महाराष्ट्र में जा रहे, उत्तर प्रदेश के भी जा रहे, बिहार के भी लोग जा रहे, सब अपने अंधाधुंध जहाँ से डर के मारे जाना चाहिए जा रहे। कल मैंने माननीय असलम शेख जी ने के सहयोग से उन्होंने एक श्रमिक ट्रेन दी थी बोरीवली से, 600 लोगों को कल की तारीख में गए 11 तारीख को। आने वाले समय में 1400 लोगों की और जवाबदारी हो रही, 1400 लोगों को और भेजने का काम हम श्रमिक ट्रेन से करने जा रहे हैं। हमने शुरू से ही ये काम हमारे फेसबुक पे किया और फेसबुक पे हमने एक पोस्ट डाली है कि पूरे मुंबई में कहीं से भी अगर लोग जाना चाहते हैं, जो मजदूर है, जो फैमिलीज़ भी हैं, मैं तो ये भी कहूँगी जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लस खाने के लिए भी नहीं है और महामारी से वो उसका शिकार भी बन सकते हैं, तो उस सभी चीज़ से बचने के लिए अगर वो गाँव जाना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी 10 से 11 हज़ार लोगों को भेजा। कल भी हमने एक श्रमिक ट्रेन जो एक धोरण पॉलिसी डिसीशन ले चुके थे कि 31 मई की लास्ट ट्रेन जाएगी, लेकिन फिर भी हमने हमारे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ जी और असलम शेख जी जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की और स्पेशल ट्रेन कल छोड़ी गई है जौनपुर के लिए, उसका स्पेशल फंड असलम शेख जी ने अपने महाविकास आघाड़ी सरकार से ये मांग की और ये मांग कंप्लीट हुई। और कल हमने उसमें ये भी किया है कि सोनू सूद के लोगों को हमने उसमें एंट्री दी है, ये सोनू सूद की ट्रेन नहीं थी, ये पूरा फंड महाविकास आघाड़ी ने भरा है और असलम शेख जी का पूरा योगदान है और हमने उनके लोगों को, उनके जो माइग्रेंट्स थे उनको भी लिया और हमारे लोग जो यहाँ के कांदिवली के जो लोग थे हमने उनसे संपर्क किया और आधी ट्रेन हमने भरी है और आधी उन्होंने भरी है। तो इस तरीके से हमने कल भी उत्तर भारतीयों को जौनपुर भेजा और आगे भी एक ट्रेन और हमने मांग की है जो यूपी गवर्नमेंट की परमिशन के लिए प्रोसीजर गया है और जिससे जैसे वो सैंक्शन होगा एक ट्रेन और हम, वो तो 1300 लोगों की हमने मांग की है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर भारतीय जो भी बच्चे हैं, जो भी कोने में बच्चे हुए, वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, आपको कॉन्टैक्ट करें, हमको बताइए, इसी तरह मदद कर सकते हैं हम कोरोना वायरस में, महामारी में इसी तरह गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको फ्री पहुँचाने का काम करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे और ये महामारी से बचाने की पूरी कोशिश करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।